Dear class 7 students, good morning to you all. Today we will study a poem that is Abou Ben Adhem, written by James Henry Leihont, is a parable, the story of which has been borrowed from Arabic folklore. Abou Ben Adhem is the name of an Islamic saint or wali who gave up the worldly comforts and devoted his life to the services of mankind. ठीक है, in this poem the poet describes an incident of Abou Ben Adhem with an angel and that how he became one of those who truly loved the God. So let's begin with stanza first, that is Abou Ben Adhem, may this tribe increase, awoke one night from a sleep, from a deep dream of peace, and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. देख लीजिएगा, यहाँ पे बता रहा है पहले, whom does God love the most? Whom does God love the most? कहता है कि अल्लाह जो है, खुदा जो है, किससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है? खुदा सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है? अब देख लीजिएगा यहाँ पे देख लीजिए, Abou Ben Adhem may his tribe increase. अब यहाँ पे जो है ये इन्वर्ट इसमें किसमें है, ब्रैकेट में है, या इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं इस ब्रैकेट को जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है. तो यह यहाँ पे क्या है, उनके ऊपर सलाम भेजी गई है, Abou Ben Adhem के ऊपर सलाम भेजी गई है. कहता Abou Ben Adhem, खुदा करे इसका कबीला, ट्राइब होता कबीला, इंक्रीज्ड होता है बड़े, ठीक है, बड़ा हो जाए, बड़ा करे अल्लाह इसका कबीला जो है वो बड़ा करे. Awoke one night from a deep dream of peace, कहता है वो एक रात गहरी चैन की नींद सोया हुआ था और जाग उठा. ठीक है, एक रात वो चैन और चैन की नींद और गहरी नींद में सोया था और जाग उठा. दे एंड सी, और देखा, क्या देखा, विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, अपने कमरे में चांद की रोशनी को, अपने कमरे को चांद की रोशनी में उसने देखा. फिर कहता है नेक्स्ट लाइन, कहता है कि मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, कहता है जो चांद की रोशनी थी वो उसके कमरे को क्या बना रही थी, बहुत खूबसूरत, यानी कि नीलोफर के फूल की तरह. लिली होता है नीलोफर का फूल, नीलोफर के फूल की तरह उसको बहुत ही खूबसूरत बना रहा था, बहुत ही, ब्लूम होता है खिलना, मतलब इसके नीलोफर के फूल की तरह वो खिला हुआ मालूम होता था, या उसके खिलने की तरह लग रहा था. फिर कहता है आगे, एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, कहता है एक फरिश्ता वो क्या कर रहा था, एक सोने की किताब में कुछ लिख रहा था. Exceeding peace had made Ben Adhem bold. ठीक है, कहता है कि exceeding peace had made Ben Adhem bold. और उस बेपना, exceeding peace होता है बेपना सुकून, बहुत ज़्यादा सुकून ने Abou Ben Adhem को क्या बना दिया, क्या बना दिया, bold, निडर बना दिया. फिर कहता आगे, and to the presence in the room he said, कहता जो उसको लग रहा था, जो उसकी मौजूदगी उसको वहाँ पे थी, वो फरिश्ता जो था, presence in the room he said, कहता है कि जो कमरे में मौजूद उस हस्ती को उसने कहा, क्या कहा उससे, क्या कहा, अब देख लीजिएगा, what retest thou, फिर कहता है कि what retest thou, लिख क्या लिख रहे हैं आप, क्या लिख रहे हैं, दाव यहाँ पे यू के लिए यूज़ हुआ है, वाई ओ यू के लिए दाव का यूज़ किया गया है, आप क्या लिख रहे हैं. द विजन रेज्ड इट्स हेड, फिर कहता है कि उसके जो विजन था, वो तसव्वुर जो था, उसने ऊपर उठाया क्या, अपना सिर, वो जो वो मौजूदगी थी, वो जो फरिश्ता था, वो जो लाइट थी वहाँ पे, उसने अपने सिर को ऊपर उठाया. और फिर कहता है, एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट्स अकॉर्ड,
कहता है, और पूरी मिठास, पूरी शफकत भरे चेहरे के साथ उसने क्या किया, आंसर्ड, उसने देखा और जवाब दिया। कहता है द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, कहता है कि उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि मैं उन लोगों के नाम जो खुदा से प्यार करते हैं, मैं लिख रहा हूँ उन लोगों के नाम जो खुदा से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, लॉर्ड अल्लाह, अल्लाह से प्यार करने वालों के मैं नाम लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद कहता है एंड हिज एंड इज माइन वन, फिर कहता है एंड इज माइन वन सेड अबू ने नॉट सो, ने नॉट सो बता रहा है यहाँ पे, कहता है अबू बिन आदम ने वहाँ से बता दिया, आंसर दिया और कहा क्या मेरा नाम है वहाँ, क्या मेरा नाम भी है, अबू ने कहा क्या मेरा नाम ने नॉट सो, या ऐसा नहीं है, या ऐसा नहीं है। फिर कहता है रिप्लाइड द एंजल, एंजल ने कहा अबू स्पोक मोर लव, अबू स्पोक मोर लव, अबू बिन आदम जो है वो बहुत फरिश्ते ने जवाब जब दिया नो नहीं, तो अबू बिन बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी शफकत के साथ, बड़ी मतलब मुतासिर कुन के साथ रिप्लाइड द एंजल, रिप्लाइड द एंजल अबू स्पोक मोर लव, अबू ने बोला, लेकिन क्या बोला, थोड़ा बहुत ही धीमी आवाज़ में, हलीमी से उसने बोला, कहता है बट चेयरली स्टिल एंड सेड आई प्रे दी देन Write me as one that loves his fellow man. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है बता रहा है but surely still and said I pray thee then write me as one that loves his fellow man. ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है, कहता है but surely लेकिन फिर खुशी के साथ उसने कहा, क्या कहा, एंड सेड, और उसने कहा आई प्रे दी देन, आई प्रे दी देन, मतलब दी का मतलब यहाँ पे यू है, ठीक है, आई प्रे यू मतलब मैं आपसे इल्तजा करता हूँ, मैं अब आपसे, देन अब मैं इल्तजा करता हूँ, तो मेरी इल्तजा आपसे है क्या, राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, कहता है फिर मुझे लिख दीजिए उनमें जो क्या करते हैं, इंसानों से प्यार करते हैं, खुदा से प्यार नहीं करते बल्कि उसके बनाए हुए इंसान फेलो मैन से प्यार करते हैं, फिर मुझे उस लिस्ट में मेरा नाम लिख दीजिए। फिर कहता है आगे The angel wrote and vanished. Angel ने क्या किया? Angel ने बेचारे ने लिख लिया and vanished. और वो वहाँ से गायब हो गया. ठीक है. फिर कहता है the next night. फिर अगली रात. It came again. वो फिर से आया. दोबारा आया. फिर क्या करने लगा? With a great wakening light. कहता है बहुत तेज जगा देने वाली रोशनी लेकर. बहुत ही तेज. Great wakening light. बहुत ही तेज. जगा देने वाली रोशनी के साथ वो दूसरी रात फिर आया, दूसरी रात को फिर आया, एंड शाउट द नेम्स हु होम लव द लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, कहता है और क्या दिखाया, और वो नाम दिखाए जिन्हें खुदा का प्यार मिला था, जिन्हें क्या मिला था, होम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, जिन्हें खुदा का नाम, खुदा का प्यार मिला था, वो नाम उसने अबू बिन आदम को दिखाए, कहता है एंड लव बेन एडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट, कहता है और वह क्या बात है, है बिन अबू बिन आदम का नाम सबसे ऊपर उसमें लिखा गया था जिनसे अल्लाह प्यार करते हैं। ठीक है, उसने पहले बताया कि आप मेरा नाम उनमें लिख दीजिए जो क्या करते हैं, जो उसके अल्लाह के बनाए हुए लोगों से, अल्लाह के बनाए हुए इंसानों से, अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है। फिर दूसरी रोज़ जो है जब फरिश्ता दोबारा फिर आया, वो तेज़ रोशनी लेकर वहाँ दोबारा हाजिर हुआ और वो कहने लगा, और उसने क्या दिखाए, वो नाम जिन्हें खुदा का प्यार मिला था, और उसमें सबसे ऊपर किसका नाम था, अबू बिन आदम एदम का था। ठीक है, और इस तरह से आपकी ये पोएम जो है वो ख़त्म हो रही है। इसके साथ ही आप क्या करोगे कल के लिए, या मैं अभी क्वेश्चंस जो है वो अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके क्वेश्चंस जो भी होंगे वो भी कर लीजिएगा आप। यहाँ पे एक बात और देख लीजिएगा, यहाँ पे रूम, यहाँ पे देख लीजिए रूम है, ब्लूम है, ठीक है, गोल्ड है, बोल्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए और ए, बी और बी, यानी कि मिल रहे हैं, ये राइमिंग स्कीम है इस पोम की। ठीक है, क्या है, ए
और ए ए ए बी बी, ठीक है ठीक, देख लीजिएगा फिर से, सेड हेड, कॉर्ड और अकॉर्ड और लॉर्ड, तो यहाँ पे भी ए बी ए बी, ठीक है सॉरी यहाँ पे सेड और हेड ए ए बी बी, तो यहाँ पे ऐसे ही चलेगा जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, रूम और ब्लूम ए ए मिल रहा है, इनकी साउंड जो है रूम की और ब्लूम की मिल रही है, गोल्ड और बोल्ड ये मिल रही है, तो इसका मतलब इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए ए बी बी है। तो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।